नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको सबको पता होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, जिसके फॉर्म है दोस्तों वर्तमान में चल रहे हैं और जिसके फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है 27 अगस्त। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फिजिकल के लिए 15 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, 15 गुना विद्यार्थियों को जो फिजिकल का कॉल आने वाला है, तो किस किस की अब की बार टक्कर है। टक्कर का मतलब यह है दोस्तों, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो 15 गुना के अंदर शामिल होने वाले हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो बाहर होने वाले हैं। मतलब कि मैं प्रूफ के साथ दोस्तों जो मैंने पोल करवाया था, उस पोल के आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वो एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन है जिसको फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, वो मैं आपको एक एक को क्लियर करने वाला हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हों का थोड़ा सा ये डाउट आ रहा है कि मैंने फलाने जिले से फॉर्म भर दिया तो मैं 15 गुना के अंदर सेलेक्ट होऊंगा भी या नहीं होऊंगा। तो आज मैं ये भी बात करने वाला हूं कि अब तक सबसे ज्यादा फॉर्म है वो कौन से जिले से भरे जा रहे हैं, और यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अब आपको वर्तमान में कौन से जिले से फॉर्म डालना चाहिए जिससे आप 15 गुना के अंदर शामिल हो सके। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सबको पता होगा कि वैकेंसी का 15 गुना विद्यार्थी, तो वैकेंसी आपकी कितनी है, इनके यदि हम 15 गुना विद्यार्थियों की बात करें तो लगभग 53,000 से और 55,000 के बीच में बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कितने बच्चों को, लगभग 53,000 के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फॉर्म कितने आ जाएंगे, लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 लाख के आसपास तो फॉर्म आने वाले हैं। कोई कुछ भी बोले दोस्तों, लेकिन लगभग मैं आपको बता रहा हूं 4 लाख के आसपास आपके फॉर्म आने वाले हैं, जिसमें से 53,000 बच्चों को दौड़ के लिए बुलाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो 53,000 कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले तो दोस्तों मैं आपको पोल में जो मैंने पोल करवाया था उस पोल के कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। मैंने पोल में आप उनसे पूछा था कि आपके सीटी में कितने नंबर बन रहे हैं और कौन से जिले से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो दोस्तों मैंने जो पोल करवाया था उसके आंकड़े आपको सामने दिख रहे होंगे। मैंने पूछा था कि 120 से 140 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 40% बच्चे हैं जिनका स्कोर है 120 से 140 के बीच में। मतलब कि ज्यादातर बच्चे हैं जिनका स्कोर है सीटी के अंदर 120 से और 140 के बीच में, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं। दूसरे नंबर पर है 140 से 160 के बीच में है 24% बच्चे, और 160 से लेकर 180 के बीच में है 20% बच्चे। 180 से और 200 के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं वो सिर्फ 10% बच्चे हैं, और 200 से प्लस जो बच्चे आ रहे हैं वो दोस्तों सिर्फ 5 से 6% ही बच्चे हैं जो पोल में जिन्होंने हिस्सा लिया है। तो आप खुद देख सकते हो, पोल के आंकड़े आपको सामने दिख रहे होंगे कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 200 प्लस है। आप कमेंट जाके पढ़ोगे ना तो कमेंट में दोस्तों वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनका 200 प्लस स्कोर है। और भाई जिनका 200 प्लस स्कोर है वो तो कोई से जिले से फॉर्म अप्लाई कर दो, वो तो 15 गुना में आराम से जाने वाला है। तो ये दोस्तों मैंने पोल के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। अब नंबर आता है, वो नंबर ही आता है कि हमको ये बता दो कि किस किस को दौड़ शुरू कर देनी चाहिए, 15 गुना के अंदर कौन शामिल होने वाला है और किस किस की अब की बार टक्कर है, कौन शामिल होगा 15 गुना के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत जिले ऐसे भी होंगे जहां पर 130 140 जिनके भी नंबर बढ़ रहे हैं उनको 15 गुना के अंदर शामिल किया जाएगा। यहां पर दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, रिस्क की भी बात है, हम यूं मान सकते हैं थोड़ी किस्मत की भी बात है कि आपने यदि ऐसे जिले से फॉर्म भर दिया जहां की दोस्तों 15 गुना में 130 140 वाले बच्चों को भी बुलाएंगे। बहुत जिले ऐसे होंगे जहां की कट ऑफ पर दोस्तों 15 गुना की बहुत कम रहने वाली है। तो पहले तो मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं, बहुत जिले ऐसे होने वाले हैं यदि आपके 120 130 भी बन रहे हैं तब भी आपको फिजिकल का कॉल आएगा। और बहुत जिले दोस्तों मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा जहां पर 160 165 वाले को भी फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ये तो दोस्तों हुई किस्मत की बात कि आपने कौन से जिले से फॉर्म अप्लाई किया है। तो आप बता दो, बहुत मुझसे पूछेंगे कि हम कौन से जिले से फॉर्म भरे। दोस्तों कोई किसी को कोई पता नहीं है कि सबसे ज्यादा फॉर्म कहां से आ रहे हैं, सबसे कम कहां से आ रहे हैं। सिर्फ आप एक अंदाजा लगा सकते हो किससे, जो बच्चे कमेंट करते हैं, जो हम पोल करवाते हैं, या फिर ई मित्र से जो भी दोस्तों जानकारी मिलती है उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन से जिले से ज्यादा फॉर्म आ रहे हैं। अन्यथा किसी के पास कोई आंकड़े नहीं है कि फिक्स आपको बता दे कि फलाने जिले से सबसे ज्यादा फॉर्म आ रहे हैं। तो ये डाउट है, इसको बाहर कर दो। यहां पर थोड़ी सी किस्मत भी चलने वाली है कि जिन्होंने फॉर्म ऐसी जगह से भर दिया जहां पर थोड़े कम फॉर्म आते हैं, सीट थोड़ी ज्यादा है, तो 15 गुना में वहां पर 120 130 वाले को भी बुलाया जाएगा। अब टक्कर की मैं बात बता दोस्तों, जो पोल करवाया था उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, यदि आपके 160 प्लस बन रहे हैं
तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करो, आपको डेफिनेटली फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जिनके भी 160 से ज्यादा बन रहे हैं और आपने ऐसे जिले से फॉर्म भर दिया जहां पर थोड़ी मीडियम पोस्ट है, थोड़ी अच्छी पोस्ट है, तो आपको डेफिनेटली फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं, यदि 160 नंबर है और आपने ऐसे जिले से फॉर्म भर दिया जहां पर जीरो पोस्ट है, एक पोस्ट है, दो पोस्ट है, तो भाई चांस बहुत कम है कि 160 वाले को भी बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सीट ही नहीं है, वहां पर जीरो सीट है, एक सीट है। तो भाई हर जिले में एक बच्चा तो ऐसा मिल जाएगा जिसका स्कोर 200 प्लस है। तो मैंने आपको बता दिया है, यदि आपने थोड़े अच्छे जिले से फॉर्म भर दिया जहां पर थोड़ी अच्छी खासी है और 160 से ज्यादा आपके नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको फिजिकल का कॉल आएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो भाई आज से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, अन्यथा मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ऐसे भी होंगे जिनको 135 पर, 140 पर भी आराम से कॉल आने वाला है, तो ये थोड़ी सी किस्मत की बात है। 160 जिनके भी बन रहे हैं, 155, 160, वो तो डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करो। तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। बहुत ये बोल रहे थे ना कि फलाने जिले की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी, फलाने की कम जाएगी, तो ये डाउट मैंने आपका पूरी तरह से कम कर दिया है। वापस बोल देता हूं, यदि आपके 160 के आसपास अंक बन रहे हैं, कोई सी भी कैटेगरी से हो, फॉर्म आपने कहीं से भी भर दिया हो, आपको आज से फिजिकल की तैयारी में लग जाना है। बहुत का कमेंट ये आएगा कि मेरे तो 130 बन रहे हैं, 140 बन रहे हैं, तो क्या फिर हम फिजिकल की तैयारी नहीं करें? दोस्तों मैंने क्या बोला है, यहाँ पर रिक्स है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि आपने फॉर्म कहाँ से भरा है, आपकी जिले की कट ऑफ क्या रहती है, तो तब तक तो आपको भी फिजिकल की तैयारी करनी है। कब तक? मैंने आपको बता दिया सितंबर के मिड तक तो आपको पता लग ही जाएगा कि 15 गुणा में कौन शामिल होगा। एक लिस्ट आएगी जिसमें पता लग जाएगा कि किस किस को फिजिकल का कॉल आने वाला है। तो तब तक तो यदि आपके 140 बन रहे, 130 बन रहे, 145 बन रहे, 150 बन रहे, उनको भी फिजिकल की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि बहुत जिले ऐसे होंगे जहां पर कट ऑफ कम रहेगी और 140 वाले को भी फिजिकल का कॉल आराम से आएगा। इसके अलावा दोस्तों 160 बन रहे हैं तो उनको तो चांस बन रहे हैं, डेफिनेटली फिजिकल का कॉल आने वाला है। तो एक एक डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि जो भी मैंने पोल करवाया था उस पोल के हिसाब से कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। और थोड़ी बहुत दिमाग आपके अंदर भी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी ने 12th कर रखी है, तो आपको खुद को भी पता है कि पोल के हिसाब से कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। एक एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। और वापस बोल देता हूं, सिर्फ 15 गुणा को मतलब कि 53,000 बच्चों को ही फिजिकल का कॉल आएगा, इससे ज्यादा को फिजिकल का कॉल नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम सिर्फ 15 गुणा को ही बुलाएंगे। तो कितने भी फॉर्म आए, 4 लाख आए, 3 लाख आए, 5 लाख आए, सिर्फ 15 गुणा 53,000 को ही दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो ये कमेंट मत करना कि कट ऑफ बहुत कम रहेगी, सिर्फ 53,000 को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो मैंने आपका कट ऑफ का डाउट क्लियर कर दिया है, 15 गुणा का। दौड़ सबको करनी है, कब तक? जब तक ये पता नहीं चले 15 गुणा में कौन कौन सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप दौड़ नहीं करोगे, आपको 15 गुणा में यदि शामिल कर लिया, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया, तो फिर क्या करोगे आप? बाहर हो जाओगे दौड़ के अंदर ही। तो दौड़ तो सभी को करनी है। आगे मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा फॉर्म कहां से आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको सबसे ज्यादा फॉर्म बता रहा हूं, ये मैं आपको पोल के हिसाब से बता रहा हूं जिसमें कमेंट आए हैं कि मैंने फॉर्म उस जिले से भर दिया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे नंबर पर जो भी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, पोल कर रहे हैं, उस हिसाब से बता रहा हूं। तीसरी बात है, जो भी मित्र वाले हैं मेरे आसपास, उनसे जानकारी लेकर मैं आपको बता रहा हूं कमेंट के हिसाब से कि सबसे ज्यादा फॉर्म कहां से है। दोस्तों आपको सबको पता होगा कि टॉप पर जो आपकी बार रह रहा है वह है दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ से अच्छे खासे फॉर्म आए। दूसरे नंबर पर दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से भी बहुत अच्छे फॉर्म आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर जोधपुर आयुक्तालय। जोधपुर आयुक्तालय से बहुत अच्छे फॉर्म आए। चौथे नंबर पर पुलिस टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ से भी बहुत अच्छे फॉर्म आ रहे हैं। तो ये वो जिले हैं जहाँ पर बहुत अच्छी पोस्ट है, तो सब बच्चे इनकी तरफ ही भाग रहे हैं, यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जिनके भी 120 से 140 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो जहाँ पर पोस्ट ज्यादा है उसी की तरफ वो भाग रहे हैं। और बिल्कुल भागना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 12th लेवल सिटी में कम नंबर बढ़ रहे हैं, तो तभी आपको 15 गुणा में बुलाया जा सकता है कि जब आप जहाँ पर अच्छी पोस्ट है वहां से फॉर्म भरे। तो ये भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि सबसे ज्यादा फॉर्म है वो कहाँ से आ रहे हैं। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 27 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना। और यदि आप जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।